Hello students, good morning to all of you. Today we have to discuss few more point of MS Word 2007 advanced features. So let's start. कल हम लोगों ने बात करी थी कि टैब्स का यूज कैसे करते हैं, कब सेट करते हैं टैब्स को. आज के आगे डिलीटिंग टैब्स स्टॉप्स, आपने जो टैब्स लगाए थे उन्हें कैसे हम हटाएंगे. Select each tab, drag it towards the document to delete. तो जो आपने टैग्स लगाए थे जैसे लेफ्ट टैग, राइट टैग, मैं दोबारा से एक बार बता दूँ, लेफ्ट टैग का सिंबल लेफ्ट टैग, सेंटर टैग, राइट टैग, डेसिमल टैग. डेसिमल टैग में पॉइंट होगा, सेंटर टैग की तरह से यहाँ पर पॉइंट, और फिर बार टैग. बार टैग सिंपल एक बार होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार के लिए, उनके मार्जिन सेट करने के लिए. तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, होम में जो आप जाते हैं उसी में पैराग्राफ के अंदर आपको ये सब मिलेंगे. सेलेक्ट द लेफ्ट टैग फ्रॉम द लेफ्ट सेलेक्टर और उसे लेफ्ट साइड के रूलर पे पेस्ट कर देना है. तो अगर आपने ये चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही हैं तो व्यू में जाएंगे पहले आप, व्यू, और व्यू में आप सेलेक्ट करेंगे टैब ऑप्शन जहाँ पर है आपका. तो व्यू में रूलर सेलेक्ट करेंगे, रूलर पर चेक करेंगे, एक बॉक्स दिखाई पड़ेगा और उसे टिक कर देंगे तो रूलर आ जाएंगे, मतलब ऊपर आपको नंबरिंग दिखाई पड़ने लगेगी, 1, 2 और उसके बीच में छोटे छोटे मार्क, फिर थर्ड, इस तरीके से रूलर दिखाई पड़ेगा, फिर आप ये सेटिंग करते हैं. तो जब आपने लेफ्ट हॉरिजॉन्टल बार या वर्टिकल बार की बात करें तो ये है वर्टिकल बार और ये है हॉरिजॉन्टल बार, और इसके लेफ्ट में यहाँ पर सबसे किनारे यहाँ पर इस कोने में आपको ये एक सिंबल दिख रहा होगा, ये बताता है कि यहाँ से टैब को सेलेक्ट करना है, मतलब इस कॉर्नर में ही टैब सिलेक्शन होता है. आप इस पर क्लिक करते रहेंगे तो लेफ्ट टैब दिखाई पड़ेगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो ऐसे ही दूसरे टैब्स आते जाएंगे, सेंटर टैग, राइट टैग. और तो ये सारे के सारे जो टैब्स हैं ये क्या करेंगे, एक के बाद एक आते जाएंगे, और जब आपको इनको यहाँ इस रूलर पर प्लेस करना है तब जो सिलेक्शन आपको करना है उस पर रुक कर उस पोजीशन पर जहाँ आपको टैग करना है वहाँ पर, जैसे लेफ्ट टैग सेलेक्ट है तो हमने अगर यहाँ पर क्लिक कर दिया तो लेफ्ट टैग बन जाएगा, फिर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो लेफ्ट टैग बन जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दिया तो लेफ्ट टैग बन जाएगा क्योंकि लेफ्ट टैग सेलेक्ट है. अब अगर राइट यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस पोजीशन पर दोबारा क्लिक करने के बाद राइट टैग आ जाएगा, तो फिर हम जिस पोजीशन पर क्लिक करेंगे रूलर में वहाँ पर राइट टैग, राइट टैब, फिर सेंटर टैब, फिर दूसरे टैब्स इंसर्ट होते जाएंगे. अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हेडिंग है नेम, फिर उसके बाद कुछ बड़ा सा मार्जिन है, स्पेस बराबर नहीं है ये यहाँ पर, फिर उसके बाद कम स्पेस है, फिर उसके बाद फिर एक ज़्यादा स्पेस है. तो ये टैब ऊपर के रूलर के कारण ये अपनी स्पेस डिसाइड करते हैं. आपको जितना जो आप टेबल बना रहे हैं आपको जितनी स्पेस की ज़रूरत है उस हिसाब से आप इनको सेलेक्ट करेंगे. आपको सेंटर में टेक्स्ट लिखना है तो आप सेंटर टैब यूज़ करेंगे, आपको लेफ्ट मार्जिन से लिखना है तो लेफ्ट टैब यूज़ करेंगे, या राइट मार्जिन से लिखना है तो राइट टैब यूज़ करेंगे, डेसिमल टैब यूज़ करेंगे, या फिर बार टैब यूज़ करेंगे. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी कि राइट टैब कैसे होगा, कैसे सिलेक्शन करेंगे. जैसे क्लास में इन्होंने राइट टैब को सिलेक्ट किया हुआ है, ऐसे ही दूसरी चीज़ों को सिलेक्शंस दिखाया गया है. फिर रोल नंबर है, उसका सिलेक्शन कैसे है. हाँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार में ये आपको मार्जिन सेट करता है. तो हॉरिजॉन्टल रूलर जो है वो यहाँ पर इस तरीके से आपको वर्टिकल रूलर के पॉइंट दिखाई पड़ेंगे, और हॉरिजॉन्टल रूलर पे तो आप वर्क कर ही रहे हो, तो उसका मार्जिन जो है वो आप सेट कर सकते हो, डिफॉल्ट मार्जिन कितनी देर में कितना स्पेस लेकर टैब वर्क करें.
फिर आते हैं हम कॉलम्स पे। अगर आपको एक पेज पर कॉलम्स की फॉर्म में डेटा लिखना है, मतलब तीन कॉलम्स अगर सपोज करिए बनाने हैं, तो हम कॉलम ऑप्शंस पे जाएंगे। और कॉलम ऑप्शंस के लिए क्या है, सबसे पहले पेज लेआउट ऑप्शंस पे जाएंगे, वहाँ पर पेज सेटअप का ग्रुप होगा और उसमें कॉलम्स का ऑप्शन होगा। कॉलम्स पे क्लिक करने के बाद आप कॉलम सेट कर सकते हैं। कॉलम्स कैसे सेट करेंगे, ये देखिए कॉलम ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहा है पेज लेआउट के अंदर। ये कॉलम ऑप्शंस के अंदर बाय डिफॉल्ट 1, 2, 3, 4 लेफ्ट राइट के ये कॉलम्स हैं, तो इनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आपको दो कॉलम्स बनाने हैं तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे हम, दो बराबर विड्थ के कॉलम्स बनेंगे। फिर थ्री में थ्री बराबर विड्थ के कॉलम बनेंगे, इक्वल कॉलम विड्थ ये कहलाएंगे। और अगर इनके बीच में हमको स्पेसिंग देनी है और कॉलम्स को चेंज करना है तो हम यहाँ मोर कॉलम्स ऑप्शन पे जाकर उनकी सेटिंग को कर सकते हैं। तो ये सेटिंग्स के लिए जो ऑप्शंस आ रहा है कॉलम्स की सेटिंग कैसे करेंगे, तो विड्थ कितनी रखनी है, स्पेसिंग कितनी देनी है पहले के कॉलम्स के लिए, दूसरे कॉलम्स के लिए, तीसरे कॉलम्स के लिए, यहाँ ऑप्शंस आ जाएगा। और आप अनइवन कॉलम्स की विड्थ, जैसे पहला कॉलम्स पतला है फिर बाद में दूसरा कॉलम से बड़ा है फिर तीसरा कॉलम्स को पतला कर दिया गया, तो ये आप यहाँ पर सेटिंग्स में कर सकते हैं। और जितने कॉलम्स आप बनाना चाहें उतने कॉलम्स बना सकते हैं अनइवन विड्थ के भी। तो आज का वर्क इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।